कुछ बातें काफी अच्छी लगी वो मूवी। उसमें दिखाया कि हर उम्र में आदमी जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए आदमी को। वो जो है उसके अंदर में बताया गया कि हर उम्र में हर एज का आदमी जो है पॉजिटिव सोच के भी है जो है आगे बढ़ सकता है किसी भी परिस्थिति में। yes, काफी कलाकार उस मूवी में। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? अमित जी की लगी। और डायरेक्शन कैसा लगा सूरज बजाजिया जी का? डायरेक्शन तो अच्छा था। लास्ट पे क्लाइमेक्स सीन्स जो है बीच में, तो ऐसा लगा कि जो है अब ये पिक्चर का दिन होने वाला है, लेकिन फिर अमित जी ने फिर एक्शन लिया उसमें। यस, क्लाइमेक्स सीन कैसा लगा? क्लाइमेक्स तो अच्छा था। 5 out of 5 कितने स्टार्स दोगे? क्या बोल रहे हैं, 5 में से कितने स्टार्स दोगे मूवी को? 5 में से 4.5 तो मिलते। थैंक यू सो मच। अमिताभ बच्चन होगा भी खराब ही नहीं हो सकती। सुपर एकदम राशि प्रोडक्शन तो इतने सालों से एकदम इतने सालों के बाद वापस आए हैं तो बहुत मजा आ गया पिक्चर। काफी सारे कलाकार देख, सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? हमारा तो अमिताभ बच्चन की लगती है, सबकी अच्छी थी लेकिन सबसे अच्छा अमिताभ। क्लाइमेक्स कैसा था? क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था, दिखाया ऊंचाई ऊंचाई दिखाई, एवरेज पे चढ़ना चाहिए बहुत अच्छी बात है, सबको सबक ये है भाई ऐसा होना चाहिए। क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था। 5 में से कितने स्टार्स दे रहे हो? फर्स्ट अमिताभ बोलनी, ओनली अमिताभ। क्या कहना चाहोगे ऊंचाई के बारे में, कैसी लगी मूवी? सर जो हम लोग डर हमारे मन में है, ये एल्डर्स को देख के लगा कि नहीं डर नहीं लेना चाहिए, हमेशा हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। कोई ऐसी बातें जो काफी हद तक सीखने जैसी थी? यही कि उन्होंने पहले उम्र की वजह से हम लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, पर उनको देख के अभी एटलीस्ट मैं अपने बेटे से कह रही थी कि मुझे स्लाइड से बहुत डर लगता है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम मैं जाके वो स्लाइड्स एंजॉय करूंगी। सूरज बजाजिया की डायरेक्शन कैसी लगी आपको? सुपर्ब सुपर्ब, दिल को टच करने वाली पिक्चर थी। काफी बड़े कलाकार थे, सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? तीनों की अच्छी थी, हर एक कैरेक्टर ने अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है। अमिताभ बच्चन जी भी थे, एक्टिंग कैसी थी? सुपर्ब सुपर्ब, जो लास्ट मोमेंट पे जब वो गिर जाते हैं तो लिटरली मैं रो पड़ी वहाँ पर कि ऐसे भी रियलिटी में, पर भी दोस्ती निभाने के लिए उन लोगों ने इतना कुछ किया है। 5 में से कितना स्टार्स दोगे अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग के लिए? 5 में से 5, अगर 5 में से 50 देने हो तो वो भी दे जाएंगे। और पूरी मूवी को 5 में से कितना स्टार्स? 5 ही। मूवी तो काफ़ी अच्छी है जो चलेगी फ्यूचर में, क्योंकि मूवी जो है दोस्ती के ऊपर बनी है। जैसे अमित जी एक मकसद लेकर एक वो ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जब उनकी स्ट्रगल से लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है उनकी, तो उनके जो सपने हैं उनके साथी जो कलाकार है या जो साथी हैं उनके वो पूरा करते हैं। तो दोस्ती को दर्शाया गया है कि दोस्ती में लोग कितना उनको मतलब एक दूसरे के लिए करते हैं, तो वो एक फिल्म का जो बताने का जो मुद्दा था दोस्ती के ऊपर वो बहुत काफ़ी अच्छा लगा कि दोस्त जो है एक दोस्त के लिए क्या नहीं कर सकते। फिल्म का जो डायरेक्शन है सूरज बजाजिया ने किया है जी, क्योंकि 2015 के बाद ये मूवी आ रही है, कैसा लगा? अभी सूरज बजाजिया की जो फिल्म थी हमने पहले भी देखा है, जो भाग्यश्री को लेकर उन्होंने बनाया था मूवी, तो हमको पता है कि उनके डायरेक्शन बहुत अच्छे रहते हैं और उनके कोई मकसद वाली फिल्म रहती है कि जो लोगों को एक लेसन दे। तो इसी तरह इस फिल्म में भी उन्होंने 2015 के बाद बनाया है, तो काफ़ी दिनों के बाद भी एक अच्छी फिल्म बनाई जो दोस्ती पे उसके ऊपर डिपेंड है, दोस्ती पे क्या दर्शाता है कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने इस बार भी ये फिल्म को काफ़ी अच्छा बनाया और हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी चलेगी मूवी। मैम ओवरऑल जो म्यूज़िक रहा उसके बारे में क्या कहें? म्यूज़िक तो बहुत ही अच्छा है, जैसे बोलते हैं ना कि हर फिल्म में जैसे होने चाहिए लुभावने वाली म्यूज़िक, तो म्यूज़िक सॉन्ग सब मुझे तो पसंद आए और पब्लिक को भी पसंद आएंगे फ्यूचर में। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे? आउट ऑफ 5 मेरे हिसाब से तो मैं अभी 4 स्टार दूंगी। बहुत अच्छी पिक्चर है, दोस्ती के बारे में बहुत अच्छा सबक है और दोस्तों के लिए बहुत अच्छी फिल्म है, देखना जाना चाहिए फिल्म देखने के लिए। बहुत अच्छा, दोस्ती का फ़र्ज निभाना ये पुराने लोगों में आदत है और यही निभा सकते हैं और कोई नहीं निभा सकता है। डायरेक्शन का तो कुछ बोल ही नहीं सकते, उनका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता, उन्होंने इतने साल बाद फिल्म बनाई तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई और फिल्म बहुत काफ़ी अच्छी लगी हद तक, और दोस्तों के लिए तो बहुत अच्छा सबक है, देखना चाहिए। स्टार कास्ट तो सभी ने अच्छा निभाया इसके अंदर, और जो भी इसके अंदर एक्टर है सब पावरफुल एक्टर है, किसी के बारे में बोल नहीं सकते ये कमज़ोर पड़ा है ये ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा बुरा है, सभी अच्छे लोग हैं। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे? आउट ऑफ 4 and 5 देंगे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी मूवी आपको? एट माय एज वंडरफुल,
काफी कलाकार थे, दोस्तों के ऊपर है। सबसे अच्छी बात क्या लगी मूवी को में? सबसे अच्छी बात यस द कैरेक्टराइजेशन। एंड व्हाट डू वांट टू से अबाउट अमिताभ बच्चन, एक्टिंग कैसी लगी उनकी? ऑल दीस गाइस आर सुपर यार, ऑलवेज हैव बीन। व्हाट इज द वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस मूवी? कोई ऐसी बात जो सीखने जैसी हो मूवी में? Listen, you're talking to an old man. Yes. Ask a young guy. How many stars would you love to give? Five out of five? Four out of five. Four out of five. Why one star? You left the one star. Why? My wish. Thank you. Okay, thank you. The movie was good. Like, it was a family movie. And we could know that what we think of parents, that is not the only way. Like, we get the two sides of the coin. Like, we get the point. Amitabh Bachchan tells that. What is the point of the parents also, like they told us, they told the family that how are they feeling about this. कैसा लगा? कोई ऐसी बातें जो काफी दिल को छू गई ऐसी मूवी में? दिल को छूना was that Everest scene when they reached the Everest, that scene was very good. और अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? और सूरज बजाजिया जी की डायरेक्शन के बारे में कुछ? अमिताभ बच्चन वाज वेरी गुड, बोमन ईरानी वाज आल्सो गुड, एवरीबॉडी डिड अ गुड रोल इन द मूवी। बट सबसे अच्छी कलाकार के इसको लगा बोमन ईरानी जी? मेरे को बोमन ईरानी जी अच्छे लगे। और क्लाइमेक्स कैसा था मूवी का? मूवी क्लाइमेक्स वाज गुड बट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड बट वाज अ गुड वन। इफ यू वांट टू गिव स्टार्स 5 आउट ऑफ अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग, बोमन ईरानी और अनुपम जी के एक्टिंग के बारे में कितने स्टार्स दोगे? 5/5। होल मूवी वाज 5/5। पूरी मूवी को कितने स्टार्स दोगे? 5/5।